दुनिया में एक बहुत फेमस जादूगर हुआ है, उसका नाम है हुडिनी। इतना बड़ा नाम था उसका कि आप पूछो मत। वो आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा एस्केप आर्टिस्ट था। कहते थे कि उसे किसी भी तरह के बॉक्स में बंद करके पानी में फेंक दो तो न जाने कैसे वो पानी से बाहर निकल आता था। अब आपको तो पता ही है कि अगर कोई आदमी डूब रहा हो और उसे 10-15 सेकंड के अंदर बाहर ना निकाला जाए तो मौत हो जाती है, मगर ये आदमी सैकड़ों बार पानी में 20-30 फुट नीचे तालाबंद बॉक्स में से बाहर निकल आता था। और एक बात, जब इसे बॉक्स में बंद करते थे तो ऐसे नहीं बंद करते थे, उसके हाथों में हथकड़ियां लगाते थे, पैर भी बांध देते थे। तो जब इसे पानी में फेंकते थे तो सबसे पहले इसे अपने हाथ और पैर खोलने पड़ते थे। अब हाथों में बंद हथकड़ियां, उस पे लगे ताले को वो कैसे खोलता था भगवान ही जाने, आज तक किसी को नहीं पता। और जब तक वो हाथ खोलता था तब तक बॉक्स में पानी भरना शुरू हो जाता था, तो उसे अपनी सांस भी रोकनी पड़ती थी। तो न जाने कैसे वो बॉक्स को खोल के अपने आप को डूबने से बचाते हुए बाहर निकलता था, किसी को नहीं पता। ऐसे ही एक जादूगर का केस है ये। इसमें जादूगर को बॉक्स में बंद करके पानी में फेंका तो वो बाहर आया नहीं। लोग समझ गए इस जादूगर ने कुछ फ्रॉड किया है। गुस्से में उन्होंने बॉक्स को बाहर निकाला और खोल के देखा तो वहां पे जादूगर था ही नहीं, था ही नहीं वो, ना जादूगर और ना जादूगर की लाश। और तो और उसके बाद वो मिला ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं चला कि वो जादूगर गया तो गया कहां। दूसरे दिन जब हमने बॉक्स को देखा तो हम भी भौचक्के रह गए, क्योंकि बॉक्स के ऊपर फिर से ताला बंद था। किसी को नहीं मालूम बॉक्स के ऊपर अचानक ताला कहां से आ गया। खैर, हमने बॉक्स को खोला और जो देखा, क्या बताएं आपको कि बॉक्स के अंदर क्या था। आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ था। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जादूगर जवान का आप सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज जो मैं कर्तव्य आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो एक ऐसी कर्तव्य है जो आज तक किसी जादूगर ने किसी को भी नहीं दिखाई, और इस कर्तव्य की सिर्फ एक ही कीमत है, शायद मेरी मौत भी हो सकती है। ये बक्सा देख रहे हैं आप लोग, मेरे हिसाब से ये बक्सा खाली है। हमारे ऑडियंस से दो लोग प्लीज आए और बताएं कि क्या ये बक्सा खाली है। हमारे ऑडियंस से दो लोग के लिए बहुत सारी तालियां। खाली है। थैंक यू। अब कुछ देर बाद मैं अपने आप को इस बॉक्स में बंद करूंगा। इस बॉक्स को एक बहुत मोटी सी चेन से बांधा जाएगा। जरा चेन दिखाएंगे। चेन को एक बहुत बड़े ताले से बांधा जाएगा और ताले को एक चाबी से लॉक किया जाएगा, और चाबी मेरे पास नहीं रहेगी। उसके बाद इस बक्से को मैं जवान समेत इस स्विमिंग पूल में फेंका जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्विमिंग पूल में मैं इस बक्से में ताले समेत चेन समेत कितनी देर रह सकता हूं, बताइए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। गलत। 3 घंटे। 3 घंटे तक मैं इसी स्विमिंग पूल में इसी बक्से में बिना सांस लिए रहूंगा। तो भगवान करे कि आप लोगों की तालियां सुनने के लिए मैं जिंदा रहूं। और शुरू करते हैं जादूगर जवान के मौत का खतरनाक खेल।
लगाओ। खींचो। पता नहीं नील, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें हो कुछ हो गया तो। भाभी आप फिक्र मत करो, भैया को पता है वो क्या कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि ये इंसान दावा कर रहा है कि स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ वो ट्रंक, उस ट्रंक के अंदर जादूगर जोवान, जो कि दावा करता है कि 3 घंटे तक पानी में रहेगा और फिर जिंदा वापस निकलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल उस ट्रंक में कुछ भी नहीं है, वो खाली है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ है, मेरा यकीन कीजिए, जोवान सर बॉक्स के अंदर ही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस ट्रंक को बाहर निकालो और खोल कर दिखाओ। आप लोग के सामने तो जोवान सर बॉक्स के अंदर गए थे, आप लोग भी। मैं आपसे ये बात साबित कर देना चाहता हूँ कि ये ट्रंक में कुछ नहीं है, एकदम खाली है। निकालो बाहर, ट्रंक को बाहर निकालो। देखो तुम हमारा शो इतना खराब नहीं कर सकते। मैंने कहा चाबिला। आइए भाइयों बहनों, आइए अपनी आंखों से देखिए आपका ये होनहार जादूगर जोवान कितना मक्कार और कितना चालाक है। कोई भी नहीं है इस ट्रंक में, देखिए अपनी आंखों से। रुक जाओ, आप लोग रुक जाए, बोला है जोवान साहब घर पर नहीं है। रुको, रुको सर, रुको आप। जाने माने जादूगर जोहान जब से उस बॉक्स में से गायब हुए हैं, तब से वो कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने घर भी नहीं लौटे हैं। और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और उन्होंने जादूगर जोहान के घर के बाहर भीड़ जमा करनी शुरू कर दी है। बहुत मारा सबने, मेरा हाथ भी तोड़ दिया, अब तो बाहर जाने में भी डर लग रहा है, कहीं लोग मार मार के हलवा ना बना दे। तुम लोगों को अपनी मार की पड़ी है और मुझे यहाँ टेंशन हो रही है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ, फोन भी नहीं लग रहा उनका, क्या करूं। अक्षय, मेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता, आपके सामने तो सर बॉक्स के अंदर गए थे। बार बार वही बात मत दोहराओ, मैं जानती हूँ कि वो उस बक्से में गए थे, लेकिन उस बक्से से निकले ही नहीं, है ना? तो फिर गए कहाँ? कहाँ गए? नहीं नहीं, कोई तो रास्ता होगा ना उस बक्से से निकलने का, हाँ? माफ कीजिएगा मैडम, पर वो हम आपको नहीं बता सकते। जोहान सर ने हम सबसे कसम ली थी। कसम? कैसी कसम? इस जादू का राज किसी को ना बताने की। सर, सोचा करता था कि मैं भी एक जादूगर बनूंगा और सारी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाऊंगा सर। टू टू टू। अब देखा ना, जादूगर बनना इतना आसान नहीं है। हाँ सर, इस पत्थर को देखकर तो ऐसा ही लगता है, अगर ये मेरे सर पे लग जाता तो बची कुछ अक्कल भी चली जाती। मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ फ्रेडरिक्स। शारदा जी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे पास क्यों आई हैं। जादूगर जी गायब है, एक दो दिन में आ जाएंगे। नहीं नहीं, जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना मुझे बिना बताए वो गायब क्यों होंगे? उस बॉक्स में से तो वैसे ही गायब होने वाले थे वो। हाँ, वो तो है। शायद उन्होंने आपको बताया नहीं, हो सकता है ये भी कोई जादू वादू ही हो उनका। नहीं नहीं, कोई जादू वादू नहीं है, गड़बड़ जरूर है। अच्छा ठीक है, अगर मुझे नहीं बताते कम से कम नील को तो बताएंगे ना। हाँ सर, मैं तो उनका भाई हूँ और मुझे बिना बताए कोई भी जादू नहीं करते वो। सर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। देखिए, सब लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गए वो बॉक्स में से, हैं? किसी ने खींच कर तो नहीं निकाला, वो खुद निकल गए होंगे चुपके से। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि उन्हें कुछ हो गया है? सर वो एक्चुअली कुछ दिनों से उन्हें धमकी भरे लेटर्स आ रहे थे। धमकी भरे लेटर्स? कौन कौन भेज रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि
उनका गायब होना और ये लेटर का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मैं तुम्हारा राज जान गया हूँ और अब सारी दुनिया को बता दूंगा। खून का बदला खून। अपने अतीत से भाग नहीं सकते हो तुम। तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर रहा है। कब कब से आ रही है खत जवान को? कुछ एक महीने से सर। सर मुझे तो लगता है कि वो आदमी जिसने हल्ला मचाया था ना उसी का काम है। पता नहीं उसे भैया से क्या खुंदक थी। कौन कौन है ये है? कुछ मालूम है आपको? पता नहीं कहाँ से आ गया वो अचानक। पहले कभी देखा उसे? कभी मिले? नहीं सर। सर बॉक्स के ऊपर ताला लगा हुआ था, फिर वो बॉक्स के अंदर से गायब कैसे हो गए? सर वो एक्चुअली जोवान अपने जादू का राज किसी को नहीं बताते थे। ठीक है, हम वहीं चलकर देखते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ है। सर जोवान के साथ काम करने वाले असिस्टेंट्स सब गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। और वो बॉक्स जिसमें से जोवान गायब हो गया उसका क्या हुआ? वो भी कहीं नहीं मिल रहा है सर। अरे ये देखिए सर, ये बक्सा तो यहीं पे पड़ा सर, स्विमिंग पूल के अंदर। लेकिन स्विमिंग पूल में बक्सा डाला किसने? अरे लेकिन ये शो के बाद तो बक्सा खुल गया था ना, तो इसका ताला कैसे लगा हुआ है? विवेक फ्रेडरिक घुसो पानी में। हाँ सर। बक्से में पानी भर गया होगा फ्रेडरिक, इतने बड़े पहलवान और रोते क्यों उठा? अरे मैं कह रहा हूँ कि बहुत भारी है, बड़े बड़े पत्थर भरे सर इसमें। ठीक है हम लोग आते हैं। हाँ सर आइए प्लीज। लाश तो नहीं? देख, अंदर जा, पलटाओ इसे। कमाल है सर, लोग तो कह रहे थे जब शो स्टार्ट हुआ था और बॉक्स खोला गया था तब तो खाली था। ये बॉडी बॉक्स के अंदर बाद में डाली गई है। सर, ये जवान नहीं है, ये लाश किसी और की है। सर, ये वही आदमी है जिसने शो में काफी हंगामा किया था। जवान को बहुत गालियां दे रहा था सर ये। कहीं जवान ने तो नहीं मारा इसे? सर पे जो गहरी चोट लगी थी उससे मौत हो गई इसकी। किसने कहा ये? मतलब? अरे इतने साल हो गए मुर्दे देखते देखते डॉक्टर साहब, ये तो छोटी सी बातें पता ही चल जाती है। अभिजीत साहब, अगर ये छोटी सी बातें ऐसे ही दिखने लगे ना तो हर डिटेक्टिव डॉक्टर सालू के बन जाए। आप तो बिना मतलब भड़क रहे हैं, आप कहां और हम कहां? अच्छा मरा तो ये सर में चोट लगने से ही है ना? ये नहीं, ये पानी में डूबने से मरा है। क्या? पानी में डूबने से? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब इसे बॉक्स में रखा गया तब ये जिंदा था? एग्जैक्टली, इसके फेफड़ों में से हमें स्विमिंग पूल का क्लोरीन वाला पानी मिला है। अभिजीत, ये जवान का जादू का शो इसने बिगाड़ा था ना? यस सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जवान ने इसका खून कर दिया बदला लेने के लिए? क्या हुआ विवेक? पता नहीं सर, अचानक कोई आवाज आई, मैं भी सोच रहा हूँ आवाज कहाँ से आई सर, शायद तुम अंदर क्या कर? सर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि जादूगर जवान इस बंद बक्से में से गायब कैसे हो गए सर, लेकिन पता नहीं बक्से का ये ढक्कन अपने आप बंद हो गया सर। अरे फ्रेडी,
हम लोग भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जवान कैसे गायब हो गया और उसकी जगह पे ये आदमी ये कैसे पहुंच गया बक्से के अंदर। तो फ्रेडरिक्स क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला सर, ऊपर से बक्से का ढक्कन बंद हो गया। एक बात बोलूं सर, बंद बक्से के अंदर कभी नहीं बैठना चाहिए सर। अच्छा? हाँ सर, दम घुटने लगता है सर। अरे बॉस इधर भी देख लो जरा, ये देखो इस आदमी का एक्सरे निकाला था, ये कुछ अटका हुआ है जरूर इसकी छाती में, ये देखो विंड पाइप में। काफी छोटी सी चीज है। ये है क्या सर? पता नहीं क्या है दया, लेट्स सी। डॉक्टर तारिका कैमरा देना। जी पाइप में फंसा हुआ है कुछ। अरे ये क्या, कांच का टुकड़ा और वो भी इसके विंड पाइप। विंड पाइप बुरी तरह से कट गया है बॉस, अगर डूबने से नहीं मरता तो विंड पाइप के कटने से मर जाता यार। मगर ये कांच का टुकड़ा अंदर पहुंचा कैसे? ये देखो बॉस, लगभग 48 घंटे हो गए इस टुकड़े को इसके विंड पाइप। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि आखिर यह आदमी है कौन। देखिए मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो आदमी कौन है? लाश जादू वाले बॉक्स में से मिली है तो कुछ तो पता होगा उसके बारे में। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि उस दिन उस आदमी ने शो पर बहुत बड़ा हल्ला मचाया था और उसके वजह से शो बंद पड़ गया था। बस वो कौन है, क्या करता है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती कहने से कुछ नहीं फायदा होगा शारदा जी, समझिए आप। उस आदमी ने जवान का भांडा फोड़ा है ना, और अब उसका खून हुआ है तो इसका क्या मतलब निकला? जिसका भांडा फोड़ा है खून वही करेगा। आप कहना क्या चाहते हैं कि जवान ने खून किया? हाँ, खून करके गायब हो गया। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें कोई फंसाने की कोशिश करे। हाँ और कौन हो सकता है वो? मुझे क्या मालूम कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, उसका अक्षय। अक्षय ये कौन है? जवान का असिस्टेंट। हाँ भाई और अक्षय के बीच में कुछ टेंशन थी पिछले दिनों से। टेंशन? कैसी टेंशन? वो क्या है कि अक्षय चाहता था कि जोवान उसके मैजिक ट्रिक्स अक्षय को सिखाए, लेकिन जोवान ने कहा कि वो अभी भी बच्चा है, वो सीखने में उसे टाइम है, तो शायद इसीलिए। अक्षय ने ही खून किया। हाँ विवेक, क्या? हाँ ठीक है हम लोग अभी आते हैं। सर कुछ जरूरी काम है, मुझे और दया को जरा जाना पड़ेगा। हाँ तो शारदा जी आप क्या कह रही थी अक्षय के बारे में? अंदर वो कांच देखा? हाँ, वैसे ही कहते जैसे उस लाश के गले में से मिला था। इसका मतलब है कि वो आदमी मरने से पहले इस घर में आया था। वो आदमी इस घर में था जब कांच टूटा होगा। कांच टूटा और किसी तरह से उसके गले में गया। बस ये शारदा नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों जानते हैं कि वो लाश किसकी है। देखो अगर कांच घर में टूटा है तो इन दोनों ने उसके टुकड़े कहीं तो छिपाए होंगे, कहीं तो फेंके होंगे। कुछ भी नहीं, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता ना तो डॉक्टर तारिका बता देती कि चक्कर क्या है। क्या बात है अभिजीत, आजकल तुमने
डॉक्टर सालुंके का नाम लेना ही छोड़ दिया, सिर्फ डॉक्टर तारिका ही। अरे यार मेरा मतलब है कि डॉक्टर सालुंके से पूछ लेते यार। ये क्या? चलो कुछ तो मिला भागते चोर की लंगोटी से। अब पूछेंगे किससे, डॉक्टर सालुंके से या डॉक्टर तारिका से? अब ऑफ कोर्स डॉक्टर सालुंके से पूछेंगे कि ये क्या है। डॉक्टर तारिका का क्या है, वो तो सीख रही है अभी। अगर पता चल जाता तो बॉस, ये दोनों टुकड़े एक ही कांच के। इसका मतलब सर, जब जोवान के घर में कांच टूटा तब ये आदमी वहीं पे था, उसके घर पे। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीनी डॉक्टर तारिका। देखा, हम दोनों एक ही तारिका से, एक ही तरीके से सोचते हैं। सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने कांच का टुकड़ा खाया किसे। फ्रेडरिक्स, जब एक कांच टूटा तो शायद एक कांच का टुकड़ा इसके खाने के अंदर या चाय वाय के अंदर गया होगा, और इसे पता भी नहीं चला होगा कि कब उसके पेट के अंदर वो टुकड़ा चला गया। लेकिन अगर ये आदमी वहां पर था तो इसका मतलब है ये शारदा हमसे झूठ बोल रही है। इस कांच को पहचानता? ये कहां से मिला आपको? ये तो हाँ, ये तो क्या बोल? ये तो हमारे घर के लैंप का कांच है। अरे वाह 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 वाह, कांच देखते ही दिमाग के दरवाजे खुल गए। जरा ये देखो, क्या है, कौन है ये? ये तो वही आदमी है ना जिसकी लाश बॉक्स में से मिली थी। अरे वाह, सब याद है सर इन्हें, सब याद है। अब तो खुशी के दिन आ गए, केस तो यूं सॉल्व हो जाएगी, है ना? अब बता क्या नाम है इस आदमी का? देखिए सर, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हम नहीं जानते। बकवास, फोटो को जानती है, कांच को जानती है, लेकिन इस आदमी का नाम मालूम नहीं, क्यों? सर कांच से आदमी की लाश का क्या मतलब है? मतलब है उस आदमी के गले में कांच का टुकड़ा मिला है, और वो कांच का टुकड़ा इस कांच में से आया। क्या? हाँ, तुम्हारे घर का टूटा हुआ कांच उस आदमी के गले में कैसे पहुंचा? पता नहीं। पता कैसे? वो आदमी तुम्हारे घर पे ही था जब ये कांच टूटा था। देखिए आप ये सब जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। था या नहीं? हाँ था या नहीं? देखिए आप इस तरह से एक ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, सब सच सच बोलने लगेगी। बोल बोल। देखिए मैं था, वो आदमी घर में ही था। अब आई ना रास्ते पे, हैं? मालूम है ना कौन है ये आदमी? हाँ, मालूम है। तो फिर पहले क्यों कह रही थी मालूम नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जोवान फंस जाए। जोवान भी था वहां पे? दो दिन पहले जब मैं घर लौटी तब जोवान। शारदा तुम बहुत जल्दी आ गई। लाला मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे वो ये तुम्हारे हाथों को चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कांच? ये कांच कैसे टूटा? ओ भाभी जी, ये मेरी गलती से हुआ है। इसमें जोहान का कोई दोष नहीं है इसमें। आप कौन है? ये शारदा, ये कुशाल है, मेरे बहुत पुराने दोस्त। भाभी जी क्या था कि चाय पीते पीते मेरा हाथ इस पे लगा और ये टूट गया। था चाय पीते पीते कुशाल तू चाय पीना यार, चाय ठंडी हो रही। तू फिक्र ना कर मेरे दोस्त, पुरानी दोस्ती और ठंडी चाय मुझे बहुत पसंद है।
तो इस तरह से वो कांच का टुकड़ा चाय के साथ उसके गले के अंदर गया। शायद उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया होगा और शायद वो कांच टूट गया होगा। जवान ने तुम्हें कुछ और बताया था उस आदमी के बारे में, मतलब कुशाल के बारे में? हाँ, वो ये कि जादूगर त्रिम्बक ने उन दोनों को सारे जादू सिखाए थे। त्रिम्बक ने? अभिजीत, ये दोनों तो जादूगर त्रिम्बक से जादू सीखते थे। हम इस जादूगर त्रिम्बक के घर चलते हैं। तो गवर्नमेंट का सील लगा हुआ है, टैक्स की नोटिस भी लगी हुई है। लगता है इसने टैक्सेस नहीं भरे थे। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट, ये जादूगर त्रिम्बक यही रहते हैं ना? रहते हैं नहीं सर, रहते थे। क्या मतलब? मतलब वो 8 साल पहले मर गए और अब तो ये घर सरकार के कब्जे में है। 8 साल पहले मर गए, उनके साथ कोई और भी रहता था? जी नहीं, वो अकेले रहते थे, उनके कोई घर वाले भी नहीं थे, ना ही कोई नौकर था। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, ये त्रिम्बक और कुशाल दोनों मर चुके हैं और जवान गायब है। अभी जवान और कुशाल के बीच में हुआ क्या, ये अब कौन बता सकता है? सर, शायद ये हमें जवान के घर से ही पता चलेगा। ब्रेडी और विवेक दिन रात चिपके हुए हैं वहां पे। अबे कर क्या रहा है? सर, यहाँ पे बहुत मच्छर है सर, इसलिए मच्छर की क्रीम लगा रहा हूँ सर। मुझे तो अभी तक एक भी मच्छर ने नहीं काटा है। ये सारे मच्छर तेरे ही पीछे क्यों पड़ते? सर, आपकी खाल हाथी की तरह मोटी है सर, मच्छर को मरना है आपको काट के? नहीं ना, फिर मतलब मैं हाथी हूँ? अरे नहीं, मतलब मच्छर आपसे डरते हैं सर। हाँ, इसे बोलो ना। सर सर सर, कोई बाहर आ रहा है। अरे ये तो शारदा है, इतनी रात गए ये अकेले कहाँ जा रही है? लो सर, शारदा कहीं जा रही है सर, हम लोग उसका पीछा करते हैं सर और आपको बताते रहेंगे। राइट सर। रुक जा, वो देख, नील और शारदा अलग है, जरूर कुछ घोटाला है सर। चलो मोबाइल मुझे दे, ड्राइविंग करते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। हेलो, हाँ सर, वो राइट की तरफ जा रही है सर। We'll be right back.
यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने तुम्हें देख लिया तो? भाभी ये चल क्या रहा है, इतनी सुनसान जगह पे रात में क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? वो मैं, जोवान का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ मिलेंगे, इसीलिए मैं। लगता है जोवान आ गया। अक्षय, ये क्या, ये तो जोवान का असिस्टेंट है। खुदा पहाड़ निकला चूहा। अक्षय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोवान सर का एसएमएस आया था मुझे। जोवान का एसएमएस तुम्हें भी आया था? हाँ। लगता है कोई उन्हें खुशहाल के खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। खून अगर जोवान ने नहीं किया है तो छुपा हुआ क्यों है वो? आप लोग यहाँ जोवान को गिरफ्तार करने आए हैं? गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे उसकी? खून करके भागा है वो। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे जोवान को यहाँ आने से रोकना होगा। जोवान, जोवान, ये क्या? जोवान की लाश है। जोवान? बॉस, जिस आदमी ने भी इसकी पीठ में गोली मारी है वो कद में इससे छोटा होगा। डॉक्टर साहब, इस लाश को कहीं और से उठा के तो नहीं लाया गया ना? नहीं दया, देखने से ऐसा लगता नहीं। तो इसका मतलब है इसका खून उसी जगह पर हुआ है जहां पे अक्षय और शारदा को बुलाया था। कुशाल के बाद अब जवान को भी मार दिया गया है। पता नहीं सर आखिर ये सब कर कौन रहा है। तीन लोग दिख रहे हैं इस केस में सर, नील, शारदा और अक्षय। क्या अक्षय और शारदा सच बोल रहे हैं? तूने पता किया? हाँ सर, मैंने फोन के रिकॉर्ड चेक कर लिए। दोनों मोबाइल फोन पे एक ही वक्त पे जोवान ने मैसेजेस भेजे, रात के 8:30 बजे। और 8:30 बजे? ओए सड़के, तुम्हें क्यों झटका लगा? अरे यार, ये आदमी तो 6-7 बजे मर गया होगा। 8:30 बजे इसकी आत्मा ने एसएमएस दिया। मतलब कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है अक्षय और शारदा को। पहले उसने जोवान का खून किया, फिर जोवान के मोबाइल से ही उनको मैसेज करके बुला लिया मिलने के लिए। सर ये भी तो हो सकता है कि कुशाल का खून जोहान ने किया हो और जोहान को किसी और ने मारा हो। हाँ, हो सकता है। सांगे, उन धमकी भरे खतों पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? नहीं बॉस, फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन हमें लेटर्स पे सिल्वर पेंट मिला है। शायद लिखने वाले के हाथ में सिल्वर पेंट लगा हुआ था। बड़ी अजीब बात है। अजीब बात ये नहीं दया, अजीब बात ये है कि एक दो नहीं, हमें सभी लेटर्स पे सिल्वर पेंट मिला है। मतलब वो सारे खत उसने एक साथ ही लिखे थे। ओहो, बच्चा होशियार हो गया है। गुड गुड, बाय द वे यू आर राइट, सारे लेटर्स एक ही साथ लिखे गए। सर ये देखिए, जरा इस बॉक्स को देखिए। डॉक्टर तारिका, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सिल्वर पेंट इस बॉक्स में से आया? हो सकता है सर, क्योंकि इस बॉक्स को अभी ताजा ताजा बस एक हफ्ते पहले पेंट किया गया है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो धमकी भरे खत उसी आदमी ने लिखे होंगे जिसने इस बॉक्स को पेंट किया है। विवेक, उस असिस्टेंट को फोन करो, क्या नाम है उसका, अक्षय, फोन करो, पता करो उससे कि इस बॉक्स को किसने पेंट किया था। हेलो अक्षय, हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। उस जादू के बक्से को किसने पेंट किया था पिछले हफ्ते? क्या, किसने? सच बोल रहा है? ठीक है, साक्ष्य कह रहा है कि इस बक्से को 1 साल से पेंट नहीं किया गया। तो ये भी तो हो सकता है कि ये वो बॉक्स नहीं, कोई दूसरा ही बॉक्स है। मतलब किसी ने असली बक्से को छिपाकर उसी जगह पे नकली बक्सा रख दिया। यस, नकली वाला बक्सा यहाँ पानी में डाल दिया। असली वाला कहाँ है? सर इतना बड़ा बॉक्स है, कोई टेम्पो वगैरह लाए होंगे ले जाने के लिए। हाँ मगर अभिजीत, ये खूनी इतना बेवकूफ तो नहीं कि इतना बड़ा बॉक्स सबके सामने ही ले जाए। तो सर फिर यहीं कहीं छुपा दिया होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ढूंढो ढूंढो आसपास, अच्छी तरह से ढूंढो।
अविवेक जवान के कपड़े? ये जवान अपने कपड़े छोड़कर भाग गया? लग तो ऐसे ही रहा, मगर ये इस बक्से के अंदर से भागा कैसे? हाँ, देख, सर, देखो सारा बक्से क्या है? यहाँ से निकला है वो? ये बात है, जवान के जादुई बक्से का जादुई दरवाजा। बंद करना है? कैसे कहूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जादूगर जवान ने अपने कपड़े इस बक्से के अंदर छोड़े तो फिर वो नंगा भागा हुआ है। अगर किसी ने उसे देख भी लिया होगा ना, तो वो वैसे ही शर्म के मारे मर गया होगा। जहां तक मुझे लगता है, कुछ ऐसे हुआ होगा उस रात। तो इस तरह से जवान ने अपने कपड़े उतारकर अपने असिस्टेंट के कपड़े पहन लिए और फिर इस जादुई दरवाजे से बाहर निकलकर भीड़ में जाकर खड़ा हो गया और किसी को पता भी नहीं। और सर, जब 3 घंटे बाद ये बॉक्स पानी से बाहर आता तो इसी दरवाजे से जवान अंदर घुस जाता और अपने कपड़े पहन के बाहर आ जाता। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा सर। फ्रेडरिक्स, जादू आंखों का धोखा ही होता है। सर, यहाँ पे निशान भी है, ये देखिए। ये तो बॉक्स बनाने वाले का निशान है। तो लगता है किसी ने ये बॉक्स का डिजाइन पेटेंट करा रखा है ताकि कोई दूसरा आदमी ऐसा ही ठंड बना ना सके। सर, जिसने भी ये बॉक्स बनाया है उसे तो ये सब सीक्रेट मालूम है। हाँ, तो कहीं खून उसी ने तो नहीं किया? हो सकता है। पता करो ये बॉक्स किसने बनाया है। तो यहाँ तो त्रिंबक का नाम लिखा है। त्रिंबक? पर त्रिंबक तो मर चुका है। तब एक और फैक्ट आ रहा है, शायद उसकी फोटो भी आ रही है। सर, ये है त्रिंबक। आज मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि मैं उस आदमी का नाम ले सकूं जो जो नाम जवान ने कमाया है उसे और आगे बढ़ाएगा। और जवान की भी यही इच्छा थी कि उनके बाद अगर उनकी जगह कोई भी लेगा तो वो यही आदमी होगा, और वो उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि जवान का छोटा भाई है नील। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कल का बच्चा क्या जाने जादू क्या होता है। मैं इतने साल से जवान के साथ मेहनत कर रहा हूँ, ये हक मुझे मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ अक्षय, लेकिन जवान तो यही चाहते थे ना। मैं नहीं जानना चाहता जवान क्या चाहता था, लेकिन उनकी जगह मैं ही लूंगा, ये नहीं। देखो अक्षय, भाई ने एक बार जो फैसला कर दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसी की तैसी फैसले की। तुम जादूगर लोग भी दुनिया की आंखों में न जाने क्या क्या धूल फेंकते हो। अच्छा हो गया एसीपी साहब कि आप आ गए, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत खतरनाक है। देखिए। और सर, इसने ही भैया का खून किया होगा। जवान का खून इस अक्षय ने नहीं किया है। जवान का खून अगर अक्षय ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? त्रिंबक की बेटी ने। त्रिंबक की बेटी ने? अब ये मत पूछना कि त्रिंबक की बेटी कौन है। कौन है? अरे एसीपी साहब ने कहा ना कि मत पूछना, समझ में नहीं आता क्या? ये है त्रिंबक की बेटी नलिनी त्रिंबक, तुम्हारी शारदा भाभी। ये सब झूठ है, मेरा नाम तो शारदा है। झूठ! तुम ही नलिनी त्रिंबक हो। शादी के बाद तुमने अपना नाम शारदा रख लिया। हाँ,
हाँ, मेरा नाम नलिनी त्रिंबक है। और इसने हमसे झूठ कहा था कि ये कुशल और त्रिंबक की पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। सब कुछ जानती थी ये, उस बक्से का राज भी, और हमारे सामने नाटक करती रही। तुम्हें मालूम था कि जवान कहां पर है, इसलिए तुमने उसे वहां बुला लिया, उसका खून किया और उसके फोन से ही खुद को ही एसएमएस कर दिया। और साथ में अक्षय को भी एक एसएमएस भेज दिया ताकि उसे भी फंसा सको। क्यों बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? बदला, बदला लेना चाहती थी मैं। कैसा बदला? कुशल और जवान दोनों ने मिलकर मेरे पिता त्रिंबक का खून किया था। क्या जवान तुम्हारे पिता का खूनी? अगर ऐसी बात थी तो फिर शादी क्यों की तुमने उससे? क्योंकि शादी से पहले मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा पति खूनी है, और वो भी मेरे पिता का खून किया है उसने। मैं ये नहीं जानती थी। मुझे तो ये बात तब पता चली जब कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा जवान, कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। कोई भी ये नहीं मानेगा कि त्रिंबक के खून में मैं इन्वॉल्व था, क्योंकि त्रिंबक के खून से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होने वाला था। उसको मारने के बाद में उसकी जादू की सारी सीक्रेट उसने चुरा ली और फिर बन बैठा जवान द मैजिशियन। अच्छा, जवान को ब्लैकमेल करेगा? हाँ, जवान को ब्लैकमेल। और मैंने अपने आप को किसी भी तरह संभाल लिया। ये कभी दिखावा नहीं किया कि मैं कुछ भी जानती हूं, लेकिन बदले की आग तो मेरे दिल में लग चुकी थी। मगर तुमने कुशाल की लाश को उस नकली बॉक्स में क्यों डाला? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी असलियत तक पहुंचे और किसी को भी पता चले कि मैं त्रिंबक की बेटी हूं। लेकिन जवान ने तुमसे शादी क्यों की? उसे तो मालूम था कि तुम त्रिंबक की बेटी हो। उसे डर नहीं था कि कहीं पोल खुल गई तो? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे जादू थे जो मेरे पिता ने सिर्फ मुझे ही सिखाए थे और किसी को नहीं। माना कि तुमने ये सब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया, मगर जुर्म जुर्म है और उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी।